गंगापुर सिटी, जहां पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चेयरमैन रघु शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार दमोहन मीणा साहब, हमारे वरिष्ठ नेता रामदेव जी मीणा, अग्रवाल साहब, विधायक हरीश मीणा जी, रानी रवरार जी, अशोक बैरवा जी, प्रशांत बैरवा जी, श्रीमती इंदिरा मीणा जी, राम सूर्य मीणा, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब, जिला अध्यक्ष शिवचंद जी बैरवा साहब, महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती वंदना मीणा जी, पूर्व चेयरमैन चेयरपर्सन श्रीमती गीता देवी जी, हर गोविंद जी कटारिया जी ब्लॉक अध्यक्ष, मुकेश जी देहात के ब्लॉक अध्यक्ष, गायत्री मीणा जी प्रधान साहिबा, डॉक्टर अजीज अहमद साहब, आजाद साहब, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे सम्मानित मंच और उपस्थित बुजुर्गों भाई और बहनों नौजवान साथी, गंगापुर सिटी में आकर के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आप सबको मालूम है कि इस क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हम सबकी सलाह से हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नमोनी मीणा साहब को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया है। राहुल गांधी जी ने हम सबकी बात सुन के और माधोपुर टोंक क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए इनको आपके बीच भेजा है। आशा के साथ में आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका विश्वास इनको मिलेगा और ये काम होकर जाएंगे और जाने के बाद जैसा इनको आप जानते हो, आपके बीच में पहले एमपी रहे हैं दो बार, आपके आशीर्वाद से सोनिया गांधी जी के वक्त में ये दो बार केंद्रीय मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बनना कोई मामूली बात नहीं होती, पहली बार जीतते ही है केंद्रीय मंत्री बन गए। आप बताए खजाना के मंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए, इसके मायने होते हैं। आगे वाले ने मीणा साहब ने अपनी कुबत बताई, उनका जो व्यक्तित्व था, कर्तित्व था, उनके अनुभव थे, उसका लाभ यूपी गवर्नमेंट ने लिया और इनको इनके ऊपर विश्वास भी किया। आज तीसरी बार आपके क्षेत्र से इनको मौका मिला और ये चुनाव लोकतंत्र को बचाए, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये वोटों का राज है। हम आगे आपसे वोटों की भीख मांगते हैं, आपके पैरों पड़ते हैं, पैरों में हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, उससे गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि एक वोट का मालिक गरीब से गरीब इंसान है। ये गांधी जी का दिया हुआ है, पंडित नेहरू का दिया हुआ है, सरदार पटेल का दिया हुआ है, मौलाना आजाद का दिया हुआ है और आज अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। 70 साल से इसे रक्षा करी है। पाकिस्तान में हमारी तरह आजाद हम लोगों में साथ हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, परंतु पाकिस्तान ने बार बार प्रधानमंत्रियों को जेल में डालना, सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे में चढ़ा दिया, क्या क्या मानी हुआ, इतिहास गवाह है। हमारे मुल्क में सुई नहीं बनती थी आजादी के वक्त में, बिजली क्या होती है, बिजली लोगों को नहीं मालूम था, वहां से हमने शुरुआत करी और वोटों का राज दिया। देश को गरीब हो या अमीर हो, राजा या रंग को एक वोट सबको अधिकार है, दो वोट किसी के पास नहीं। इसलिए आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच सबको गरीब का मान सम्मान करना पड़ता है। इसकी रक्षा करी कांग्रेस ने, करी देश का। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, एक झटके में दो टुकड़े नहीं हुए, युद्ध हुआ
और 93,000 पाकिस्तान की आर्मी के एयरफोर्स के बड़े बड़े जनरल, कर्नल, मेजर, सैनिक सबके हथियारों को सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों ने जीत करके। ए भाई, अरे पूरा देश कह रहा भैया। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुई है। अमेरिका ही फंस गया वियतनाम के साथ, सालों युद्ध चला था। हमें गर्व है कि इंदिरा गांधी एक महिला होकर के 17 साल राज किया, मान सम्मान देश का बढ़ाया दुनिया के अंदर कि दुनिया में हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया पाकिस्तान, जो ये पंजाब अलग होना चाहता था, वहाँ के आतंकवादी चाहते अलग हो जाए पाकिस्तान, पंजाब खालिस्तान बनेगा, हमारा अलग मुल्क बनेगा। इंदिरा गांधी को कार्रवाई करनी पड़ी, मालूम था उनको मेरी जान जा सकती है। आखिर में वो शिकार हो गई, उनका सीना छलनी कर दिया गया 35 गोलियों से। इंदिरा गांधी देश के लिए शहीद हो गई, और शहीद होने के पहले, मरने के पहले एक दिन पहले उड़ीसा में उन्होंने कहा था, हो सकता मेरी जान चली जाएगी, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। क्या आपने मोदी जी के मुंह से 5 साल के अंदर 2 महीने बाकी रहे, 1.5 महीना बाकी रहा, क्या उनके मुंह से कभी सुना आपने? वो आलोचना भी कर सकते थे पंडित नेहरू की, तो आप जानते हो क्या क्या लिखा रहे हैं, नई पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं, 10 साल से जेल में बंद रहा, आजाद करवाएंगे देश को। उनके खानदान के बारे में, उनके खुद के बारे में क्या क्या बातें कही जाती, मुझे तो बोलते ही संकोच होता है। ये इस तरह के लोग ही हैं बीजेपी वाले, उनकी पार्टी वाले। पर जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा देश को, ये आपको हमको सोचना पड़ेगा। एक शब्द नहीं कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बन के बाद में, जब हम लोग विजय फतेह हासिल किया बांग्लादेश के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हाउस के अंदर, इंदिरा गांधी ने ये दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है, इनकी पार्टी के नेता ने कहा उस वक्त में। पर मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, आप सोच सकते हो मोदी जी कितना असत्य बोलते हैं, किस पर गुमराह करते हैं। काला धन लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया, 5 साल में कोई अभियान चला ही नहीं काला धन लाने का। सुना आपने कभी न्यूज? ए भैया डिस्टर्ब करो, एक शब्द सुना आपने? इसी प्रकार से 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, नौजवानों को, कोई चिकन में महंगाई कम कर दूंगा। भाई चुप रहने, आप 2 मिनट रुक जा। इस प्रकार से जो कुछ भी आप इतने मुझे चुका दिया, मैं क्या बोल रहा था सुन नहीं रहा तू? ए भाई, तो आप कल्पना करो कि नौजवान बड़े जोश है, तो आप कल्पना करो किस प्रकार से एक के बाद एक झूठ बोला गया, जुमले बोले गए, अब उनका पर्दाफाश हो चुका है, देश में घबरा चुके हैं, उनको भ्रम है, अब लोग डर के मारे, भय के मारे बोल नहीं रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, आम आदमी हो, वो समझ गया कि झूठ कब तो चलेगा। अरे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है, वो कब वो वही बात बोलता है तो देश के लोगों के दिल को छूने वाले होने चाहिए, क्या भाई बहुत अच्छी बात बोली है, वो कभी सुनते हो भी नहीं मुझसे। प्रधानमंत्री जोर शोर से बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हो आप किस प्रकार बोलते हैं, लटके झटके चलते रहते हैं साथ में, चलते नहीं चलते, लटके झटके चलते, इनको इनको फिल्मों में जाना चाहिए था, फिल्मों में जाते तो एक्टिंग करने में बहुत बड़े मास्टर साबित होते हैं, और फिल्मों की तरह ही बोलते हैं, जो फिल्मों में सच्चाई नहीं होती है, ना एक्टर की, ना एक्ट्रेस की, ना खलनायक की, वो खाली वहां एक्टिंग करते हैं। तो मोदी जी को चाहिए, इस चुनाव के दरबार आपका है,
ऐसे दरबार पूरे देश में लगते हैं, हजारों लगते पर डे प्रतिदिन। मोदी जी को चाहिए कि राहुल गांधी कहते हैं उनको, भाई आप मुद्दों पर आओ, ये जनता जनार्दन को बताओ भाई हमारी 5 साल की उपलब्धि यही है, वादे हमने किए ये पूरे कर दिए, आगे हम ये करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहो, कांग्रेस अपनी बात कहेगी, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे, कोई ना मोदी जी से है, ना अमित शाह जी से, ना बीजेपी से, ना RSS से। ये लड़ाई देश में लोकतंत्र में विचारों की होती है, अपने अपने विचार होते हैं, नीतियाँ होती जनता के लिए, कार्यक्रम होते हैं हम क्या क्या गरीबों के लिए करेंगे, उसके आधार पर लड़ाई लड़ो। ये भाई बाप बैठे हुए ये फैसला करेंगे हमें किसको सत्ता सौंपनी है, ये कायदा होता है। मोदी जी वो नहीं कर रहे, मोदी जी राइट लेफ्ट कर रहे हैं, वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी राष्ट्रभक्त की बात करते हैं। क्या हम लोग बैठे हुए हैं राष्ट्रभक्त नहीं है हम लोग? क्या हमारे खून के अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है? हिंदू के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? कब तक गुमराह करोगे आप? चुनाव आते तो राम मंदिर याद आता है, पहले जनसंघ थे, जनसंघ के नाम पे जान जाते थे लोग, तो चुनाव आते ही इनको गौ माता याद आती थी, उसको भूल गए, फिर राम मंदिर को भूल गए, अब चुनाव आए तो फिर राम मंदिर आ गया। आज देश में सब लोग घबराए हुए हैं, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है, निर्दोष लोगों को गाय माता के नाम पे मार देते हैं, कहाँ की समझदारी है? कि देश एक रहा है, अखंड रहा है, 70 साल में लोकतंत्र कायम रहा है, आज लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है, चुनाव उसका है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोगों को न्याय मिले, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न किसी का नहीं हो, इसका चुनाव है। इसलिए मैं आपको इतनी बात करना चाहूंगा कि आपने स्वीकार सौंपी हमें, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कहा राहुल गांधी ने कहा कर्जे माफ होना चाहिए, सरकार बनती हमने कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ कर दिए, भूमि विकास बैंक के कर दिए, नेशनल बैंक के कर्जों की बातचीत चल रही है, चुनाव के बाद में 2 लाख तक के कर्जे हमने कहा है जो नहीं चुका पा रहे उन सबका कर्जा माफ हो जाएगा, 2 रुपए की बजाय हमने गरीबों के लिए 1 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं, हम लोग 1,74,000 परिवार को देंगे हम लोग, आपको हेल्प मालूम नहीं होगा, अब आपके यहाँ पानी के बिल नहीं आएंगे, पानी के बिल खत्म कर दिए गए हैं, ये मैं कह रहा हूँ। दवाइयाँ पहले 600 देते थे हम लोग हमारे वक्त में, वसुंधरा जी ने थोड़े कमजोर कर दिए स्कीम को, हमारी गवर्नमेंट बनते हमने कहा है 600 के अलावा और दवाएं जोड़ेंगे, और पहले फेज में हमने कहा कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती, किडनी की बीमारी की, हार्ट की बीमारी की, कैंसर की, वो दवाई फ्री मिलेगी राजस्थान के अंदर, ये हमने कर दिया है फैसला। पेंशन बढ़ा दी 500-750 कर दिया है, 750,000 कर दिया प्रति माह, वो अलग फैसला किया है। 50,000 में शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी, MLA MP बन सकता है अनपढ़, तो 50,000 में कह दिया आप 10वीं पार करना जरूरी है, तो हमने कहा गलत है, आप कहना 10 साल बाद में कहते भाई 10 साल तक आप पढ़ो बड़ा फिर आप नहीं खड़े हो पाओगे, समझ में आती बात, हमने उसको खत्म किया है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की बात हमने लागू कर दी राजस्थान के अंदर भी, तो तमाम फैसले क्रांतिकारी, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं हम कुओं पर, हमारी तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं किए गए उनको पूरा करने में कमी नहीं छोड़ रहे, और घोषणा पत्र जो आया दिल्ली में कांग्रेस का जिसमें प्रति माह गरीबों को मिलेगा 6,000 रुपये, 72,000 मिलेंगे प्रतिवर्ष उनको, एक नया अभिनव प्रयोग हुआ है, गरीबों के लिए पैसा उनकी जेब में डालो, पैसा वो खर्च करेगा अपने बच्चों पर, कपड़ों पर, लत्ता पर, खाने में, पीने में, दुकान सौदा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की, फैक्ट्री में उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा जब सर्कुलेशन आएगा देश के अंदर तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ये सोच करके बहुत बड़ा फैसला हुआ देश के अंदर, उसको हमें समझने की जरूरत है। किसानों का बजट आजादी के बाद में मेरे ख्याल विश्व में पहला होगा कि पार्लियामेंट के अंदर पहले रेलवे का बजट अलग रखा जाता था, अब कर दिया गया है, किसानों का बजट अलग पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर, इससे बड़ा फैसला कोई हो नहीं सकता।
इस प्रकार से स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, जो आदमी पैदा हुआ धरती पर उसका स्वास्थ्य की रक्षा सरकार करे, तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नौजवान लोग कोई उद्योग धंधे लगाएंगे छोटा बड़ा, तो 3 साल तक सरकार को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना सरकार को पूछे हुए कोई लाइसेंस दिए आप काम कर सकते हो। इस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता हमने शुरू कर दिया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में जो मांगे हमने रखी थी, पहले रेलवे की बात थी, गंगापुर का नाम तो आ रहे थे कि पहले से रेलवे में था, मैंने सुना यहाँ DRM का ऑफिस भी था अंग्रेजों के राज के अंदर, और अभी हमने धौलपुर से गंगापुर तक रेल लाइन पीछे वाया करौली सरमथरा उसका हमने शिलान्यास भी कर दिया। मैं खुद गया था उस प्रोग्राम के अंदर पिछली बार में मुख्यमंत्री का। दुर्भाग्य से वसुंधरा जी ने क्या किया, लिख के भेज दिया रेलवे को, इसकी जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए जो काम शुरू किए गए मेरे, चाहे वो सरमथरा गंगापुर की रेलवे लाइन की बात हो, अजमेर नशीराबाद या रघु समझ आते हैं केकड़ी टॉप माधोपुर की रेल लाइन की बात हो, तमाम फैसले खत्म। आदिवासियों में जा रही थी रेलगाड़ी पासवर्ड डूंगरपुर में, उसको बंद कर दिया। मेट्रो आ रही थी जयपुर में सेकंड फेज की, खत्म। रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उसे पता ही नहीं। कोच फैक्ट्री आ रही थी पिंडोड़ा के अंदर, शिलान्यास हो गया, कोई पता नहीं आज तक। इस प्रकार से जो वसुंधरा जी ने जो पता नहीं किन कारणों से भारी बम में मिलने के बावजूद जो ये व्यवहार किया वो समझ के परे है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आप गंगापुर के लोग हो, जो अभी रामकेश जी कह रहे थे आपको, पिछली बार जब मुख्यमंत्री था ये मेरे पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी थे, जो इन्होंने यहाँ से मांगा विकास के लिए, मैंने कभी इनको मना काम नहीं किया। और मेरा इतिहास है राजस्थान भर के रघु समाज, मेरे खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे, इनका मेरे यहाँ हॉस्पिटल खोल दो, शानदार केकड़ी में आज शानदार अस्पताल खुल चुका वहाँ पर। और जो मांगा मुझसे MLA गवाह ही लोग बैठे हुए हैं, MLA मांगता थक गया, मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कभी मना नहीं किया, ही मेरा इतिहास है राजस्थान। ये स्थिति बनी थी उस वक्त, फिर भी लोकतंत्र में गई हवा चल जाती उल्टी, काली पीली आंधी चल गई, मोदी हो गया और हम चुनाव हार गए। ये काली पीली आंधी ही थी वो, तो हमने कहा हम सर झुकाते हैं जनता के सामने, जो फैसला दे दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उन स्वीकार करते हैं जनता के फैसले को, जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत हो, ये हमारी सोच है। ये बीजेपी सोच नहीं, RSS की सोच नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, मेरा फर्ज बनता है मैं राजस्थान की जनता को आगाह करूँ, इन लोगों के रहते हुए देश का भला नहीं होने वाला है। आज तमाम विपक्षी पार्टियां कहती है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, कुछ सोच के कह रहे हैं। बोखलाए में मोदी जी उनके पूरे अमित शाह दो लोग राज्य कर रहे हैं, बाकी बीजेपी में किसी की नहीं चलती है। बोखलाए हुए हैं क्योंकि CBI इनकम टैक्स ED सबका दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी को कमजोर किया जा रहा है, RBI को कमजोर किया जा रहा है, इस स्वच्छता कमजोर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, समझने की बात है। कानून का राज रहना चाहिए, ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो आपकी भावना है उसके अनुरूप हम लोग शासन करना चाहते हैं। राहुल गांधी ही कहते हैं कि जनता को पूछ के घोषणा पत्र बनाओ, इतिहास पहली बार हुआ है कि जनता को पूछा गया पूरे देश के अंदर, फिर घोषणा पत्र आया कांग्रेस का। मोदी जी मन की बात थोपते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हमें मन की बात सुननी है पब्लिक की, फिर घोषणा पत्र बनेगा हमारा, तो फर्क। मेरे को कहा गया जो मुख में दर्द हुए थे 332 प्रकरण दर्ज हुए थे, तो उसमें हमने पहले कह रखा है कि जो मुकदमे
को अफवाह लग सकती हो, छोटी बड़ी गुस्से की बातें हो, आक्रोश आ गया हो, उसमें काफ़ी में ऐसा अफवाह लगी भी है। बाकी जो है काफ़ी निस्तारण हो चुके हैं और जो कोर्ट में है उसका कोई समाधान कैसे निकल सकता है उसको मैं कानून प्रक्रिया दिखाऊंगा। अभी तो आचार संहिता लागू होगी, इतना कोई बात बोल नहीं सकते हैं। हम चाहेंगे कि सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहें, गुस्से में कोई बात अच्छी नहीं हो जिसे कानून तोड़ना पड़े। उस वक्त में कई लोग एंटी सोशल एलिमेंट भी थे, उन्होंने माहौल ऐसा बना दिया। जब जब भी भारत बंद हुआ है कुछ लोग घुस जाते हैं और माहौल खराब कर देते हैं। आप देखा होगा, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि अगर गांव में आग लगती है, मनमुटाव होते हैं, झगड़े होते हैं, वो गांव का भी विकास नहीं कर सकता। कोई बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के लिए, जहां आपस में मनमुटाव, तनाव, गुस्सा होगा वहां विकास नहीं होगा। जब प्रेम होगा, भाईचारा होगा, वहां विकास होगा। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में टाइम लगता है। ये वो लोग हैं बीजेपी वाले जो आग लगाते हैं, आप लोग आग बुझाने का काम करते हो। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि नमो मीणा जी वैसे आपके अपने हैं और बहुत शानदार हवा चल रही है सवाई माधोपुर टॉप क्षेत्र में। आप कभी रखना मत और कॉम्पिटिशन होना चाहिए सब क्षेत्रों का, किस क्षेत्र से अधिक वोट जीतेंगे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। ये बात करता हूँ, मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो गंगापुर सिटी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और हम आपको दिखा भी रहे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या कहते हैं। और यहाँ पर लोकतंत्र को खतरे में बताया मुख्यमंत्री ने, और ये कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में दो लोगों का ही राज है। जनता से अपील की कि नमो नारायण मीणा को जितवाए जनता, और कहा कि बीजेपी वाले आग लगाते हैं और उसे बुझाने का काम कांग्रेस करती है। तो कई हमले यहां पर केंद्र सरकार पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किए।